चलो, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन चारों एग्जांपल में से कौन सा विनाइलिक हैलाइड है। तो ध्यान देंगे, विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका जो हैलाइड है डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक होगा, इस तरह का हैलाइड होना चाहिए। तो आप ध्यान देना, आपके पास जो ऑप्शन टू है, ठीक है, ऑप्शन टू का जो हैलाइड है वो डायरेक्टली क्या, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से लिंक है, तो इसको हम विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन टू। मैं चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं चलो, यहाँ पे आपके सामने स्टेटमेंट वन दिया हुआ है, द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग सॉल्ट विद डायलूट एस्टर्स ऑफ फोर टर्न्स अ पीस ऑफ पेपर डिप्ड इन लेड एसिटेट इन टू ब्लैक। यानी जो गैस इवॉल्व करता है आपके लेड एसिटेट को ब्लैक टर्न करता है। इट इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर सल्फाइड आयन। तो ध्यान देना, आपको पता है कि सल्फाइड आयन जो होता है डायलूट ग्रुप का होता है। सॉल्ट एनालिसिस जो पढ़े हो लैब में आप लोग, पता होगा कि जो सल्फाइड आयन है ये आपका डायलूट एसिड ग्रुप का है। तो यहाँ पर जब इसमें डायलूट एस्टर फोर आप ऐड करते हो तो H2 गैस इवॉल्व करेगा, और जो H2S गैस इवॉल्व करता है वो आपका लेड एसिटेट से रिएक्ट करके PbS का एक ब्लैक कलर बनाएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर फॉर्म कर रहा है PbS का, यानी इसका मतलब आपका स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है, ठीक है, यानी ब्लैक कलर का PbS फॉर्म करता है। जो स्टेटमेंट टू दिया हुआ है इसमें बोला हुआ है कि इन स्टेटमेंट वन द कलर ऑफ पेपर टर्न्स ब्लैक बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेड सल्फाइट यानी PbSO3। अब ये गलत है क्योंकि ब्लैक कलर टर्न क्यों करता है बच्चे लोग, टर्न करता ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PbS नॉट PbSO3। यानी ए इसके कारण ए हो जाएगा रॉन्ग। यानी आपका स्टेटमेंट वन क्या होगा, करेक्ट, टू होगा इनकरेक्ट। तो आपका आंसर जो होगा कौन सा आंसर सही होगा बच्चे लोग, तो आपका वन करेक्ट है, टू इनकरेक्ट है, ऑप्शन टू होगा हमारा करेक्ट आंसर। बच्चे लोग मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें हम लोग एसिड क्लोराइड को रिएक्ट कर रहे हैं H2PbSO4 से, तो कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, तो कौन सा नेम रिएक्शन है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपका रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑप्शन जो होगा फोर्थ हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, आपके सामने एक बेंजीन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उसमें हम ट्रीट करें Mg ईथर में, तो ये क्या बनेगा, गिरनार्ड रिएजेंट बनता है। तो ये आपका बन गया गिरनार्ड रिएजेंट। उसके बाद इस गिरनार्ड रिएजेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं CO2 में, तो CO2 में क्या होगा, गिरनार्ड का जो ये यहाँ जहाँ से लिंक है Mg, इस कार्बन से यहाँ पर नेगेटिव पोलरिटी होगा। अब जो नेगेटिव पोलरिटी होगा CO2 पर अटैक करेगा। अब CO2 पर अटैक करेगा तो CO2 के इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड जुड़ेगा, और आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या होगा, यहाँ फॉर्म करता है एसिड फॉर्म करेगा, यानी बन गया बेंजोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालते हैं अमोनिया और हीट। अमोनिया हीट करने से क्या होगा, एसिड प्लस अमोनिया रिएक्ट करेगा और आपस में जुड़ करके वाटर निकलेगा, तो यहाँ बनेगा अमाइड। अब इस अमाइड को ट्रीट करते हो Br2+NO से, तो यहाँ पर कौन सा नेम रिएक्शन होगा, ये होगा होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। यानी ये बन जाएगा आपका बीच का जो CO ग्रुप है, इसको निकाल लो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, NH2 पे। बात समझ में आया, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन वन, ठीक है। तो बचलो, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने टॉलिन दिया हुआ है, और टॉलिन से हम दो पाथवे को देख रहे हैं। पहले वाले में क्या दिया हुआ, एक रिएजेंट ए है जिसको हम यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो वहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोलिसिस के बाद बेंजाइलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे वाले पाथवे में आपका रिएजेंट बी जो है इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एक इंटरमीडिएट को फॉर्म कर रहा है, उसके हाइड्रोलिसिस से फिर से हमको मिल रहा है बेंजाइलेट। तो दोनों जो पाथवे है कहीं ना कहीं बेंजाइलेट के फॉर्मेशन का है। तो अगर आप NCERT को स्टिक करोगे तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो ए होगा ये होता है CrO3, और जब बी का हम बात कर रहे हैं, बी बेसिकली इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट है, तो बी यहाँ पे होता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा CrO3 एंड बी होगा CrO2Cl2, यानी ऑप्शन टू होगा हमारा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में आपको मैच करना है, तो आपके पास लिस्ट वन में कुछ आयंस है और लिस्ट टू में उसका कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ था। ध्यान देंगे, Cr+2 का कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखते हो तो दो टर्न निकालने के बाद ये हो जाएगा आर्गन 3D4, यानी क्रोमियम
प्लस टू का डी फोर यानी ए मैच करेगा थ्री के साथ। अब ए का थ्री मैच सिर्फ ऑप्शन टू में है, तो ऑप्शन टू अपना करेक्ट हो चुका है। बाकी को हम चेक कर लेते हैं, तो एम एन प्लस का हो जाएगा डी फाइव एस वन यानी बी का हो जाएगा फोर, एन आई प्लस टू का हो जाएगा डी एट यानी सी का हो जाएगा वन, एंड बी प्लस का हो जाएगा डी थ्री एस वन। ये था इसका कंप्लीट मैच। बच्चों मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इसमें पूछा गया कि कौन सा इसमें से डायमैटिक लैंथेनाइट आयंस होगा, तो ध्यान देना आपका जो लैंथनम प्लस थ्री और सीरियम प्लस फोर है, इन दोनों केस में क्या होता है आपका 4F यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेल है वो पूरा का पूरा खाली हो चुका है, तो इसमें कोई भी अनपेल्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो अनपेल्ट्रॉन अगर जीरो है मतलब सिस्टम क्या होगा, सिस्टम हो जाएगा डायमैग्नेटिक। तो बच्चों लोग इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा टू। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है और बोला गया है इनमें से कौन सा ऐसा है जो फेलिंग रिएजन के साथ रेडिस ब्राउन पीपीटी नहीं देगा। तो ध्यान देना जो भी रिड्यूसिंग शुगर होगा पीपीटी देगा, और जो नॉन रिड्यूसिंग होगा वो आपके फेलिंग रिएजन के साथ पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा। इसमें से जो सुक्रोज है वो होता है नॉन रिड्यूसिंग, और यही जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे आपके सामने दो मैच है, लिस्ट वन में क्या कुछ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ, लिस्ट टू में उसका शेप दिया हुआ है। ध्यान देना आपको सिंपली क्या करना है, वी एस ई पी आर थ्योरी अप्लाई करना है। तो बी आर एफ फाइव पता है आपको, बी आर एफ फाइव में आपके पास क्या होता है, पांच बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो सबका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल यानी ए के साथ मैच करेगा फोर, ए का फोर एक ही जगह पे है यानी फोर्थ ऑप्शन में है, तो आपको फोर्थ बाई डिफॉल्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी अगर हम चेक करते हैं तो वाटर में क्या होता है, वाटर में आपका दो सिग्मा बॉन्ड होता है, दो लोन पेयर होता है, तो क्या होगा वाटर का शेप होता है बेंड शेप का। सी एल एफ थ्री का जो शेप होता है चलो ये होता है आपका टी शेप का, ठीक है, दो लोन पेयर है और तीन उसमें सिग्मा बॉन्ड है, तो ये होता है टी शेप का। एस एफ फोर जो होता है उसमें पांच सिग्मा बॉन्ड है यानी पांच बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो क्या होता है इसका शेप होता है सीशो शेप का। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट मैच। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक आई यू पी सी नेम दिया हुआ है और हमको पता करना है इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ध्यान देना आपके पास है फोर मिथाइल पेन टू इनल, तो फोर मिथाइल पेन टू इनल में क्या होगा, वन टू थ्री फोर, जो ऑप्शन टू देखेगा वो टू हमारे नेम नाम के साथ मैच कर जा रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा टू। ठीक है, सेकेंड पोजिशन पे अल्किन है, फोर्थ पोजिशन मिथाइल है और आपका एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप मौजूद है। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने प्रोपाइन कॉम्पिटेट कर रहे हैं सोडियम से, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपका अल्काइन का जो टर्मिनल एच होता है वो उसका नीचे एसिडिक होता है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपका सोडियम इस एसिडिक एच को बाहर निकाल देगा, तो आपके पास अनायन क्रिएट होगा यानी आपका जो ए बना है इस तरह का सॉल्ट बनेगा, ये बनेगा आपका ए। अब इसमें को इसको बी में अटैक करेंगे तो आपका कंपाउंड बन रहा है सी। अब ध्यान देना जो सी बना सी में एक्स्ट्रा ए ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी एक्स्ट्रा प्रोपाइल यानी तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका जो बी होगा उसमें तीन कार्बन होना चाहिए, और चूंकि आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप होगा जो कि हैलाइड होगा, यानी इसमें आपको कोई क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान देंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन वन। इसमें क्या है, हमारा ए तो मैच कर गया और बी में क्या है, तीन कार्बन है और एक अच्छा लिविंग ग्रुप यानी ब्रोमीन मौजूद है, तो हमारा जो आंसर ए होगा, ए होगा इसके लिए करेक्ट। ठीक है, ए मतलब वन, ऑप्शन वन हमारा क्या होगा करेक्ट। तो ए था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो ध्यान देना पहला स्टेटमेंट है इथेन वन टू डायमिन नेचर चिलेटिंग लिगेंड, तो ये स्टेटमेंट सही इसलिए है क्योंकि आपका इथेन वन टू डायमिन में आपके पास दो एन सेंटर है जो लिगेंड की तरह काम करेगा यानी ये बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है यानी एक चिलेटिंग फॉर्म करेगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपके अल्युमिनियम के स्ट्रक्चर से लिया हुआ है, तो अल्युमिनियम के स्ट्रक्चर में हम जो रिडक्शन करते हैं वो करते हैं अल्मुना का यानी एल टू ओ थ्री का इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान देना जो सी स्टेटमेंट है साइनाइड आयन का यूज करते हैं हम लोग लीचिंग ऑफ सिल्वर के लिए, सिल्वर के मेटलर्जी में सिल्वर को हम लोग लीच करने के लिए सी एन आयन का यूज करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर सल्फाइड को हम ट्रीट करते हैं सी एन से और उसको लीच करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन भी क्या होगा करेक्ट होगा।
डी का बात करते हैं तो फॉस्फिन एक्ट एज ए लिगेंड इन विल्किंसन्स कैटलिस्ट। तो फॉस्फिन का मतलब होता है PH3। तो ध्यान देना, विल्किंसन कैटलिस्ट का अगर हम लोग फिगर देखेंगे तो इसमें आपका मेटल होता है RH और इसमें जो लिगेंड होता है PPH3 होता है, PPH3 होगा ये लिगेंड होता है, और ये लिगेंड तीन लिगेंड होता है और साथ में एक CL लिगेंड होता है, साथ में CL होता है। तो ये था विल्किंसन कैटलिस्ट। तो यहाँ पे फॉस्फिन तो नहीं है, यहाँ पे PPH3 है। PPH3 का मतलब होगा फॉस्फोस में तीन फिलाइन रिंगों को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। हम बात करते हैं ई का। तो ई में बोला गया है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ कैल्शियम प्लस टू एन एम जी प्लस टू आर सिमिलर विथ एडीटी। ये गलत है क्योंकि आपका अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एम जी प्लस टू छोटा है, जितना छोटा साइज होगा उतना स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट क्या होगा, हाइयर होगा, क्योंकि चार दोनों का कॉमन है, तो जो साइज छोटा होगा उसका कॉन्स्टेंट क्या होगा, हाइयर होगा। यानी आपका ऑप्शन जो ई है इन स्टेटमेंट ई क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं क्या है, ए बी सी। ए बी सी कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन टू में दिया हुआ, तो हमारा ऑप्शन टू क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था वो इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी कॉल्ड डीजेनरेट। ये भी ये सही स्टेटमेंट है। डीजेनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी का, तो अगर ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होगा तो उसको हम डीजेनरेट बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला हुआ है कि हाइड्रोजन एटम 3p3d ऑर्बिटल आर नॉट डीजेनरेट। ये गलत है, ध्यान देना। जब भी बात करते हम सिंगल ट्रोन सिस्टम का, यानी एच हो गया, एच ई प्लस हो गया, एल आई प्लस टू हो गया, तो सिंगल ट्रोन सिस्टम में जहाँ पे सेमी सिंगल ट्रोन होगा वहाँ पे आपका जो एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू तो होता है एन। एन मतलब सिर्फ सेल नंबर, यानी हाइड्रोजन में 1s से बड़ा होगा 2s, बट 2s2p का चूंकि एन सेम है यानी उसका सेल नंबर सेम है, तो एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। फिर क्या होगा, 3s 3p 3d, इसका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट वन करेक्ट होगा, टू होगा इनकरेक्ट। मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा थर्ड। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। सेकंड क्या होगा, इनकरेक्ट। तो बच लो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच लो आपके सामने का सेशन दिया हुआ है, आपके पास ये जो कंपाउंड है इसको बोला गया एग्जाम्पल ऑफ अल्लाइल हैलाइड है ना। जब भी डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजिशन में को, यहाँ पे इस पोजीशन को बोलते हैं हम अलाइल पोजीशन। तो यहाँ पे हैलाइड वहीं पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब का असर्शन जो है करेक्ट है, यानी ये अलाइल हैलाइड का एग्जांपल होगा। अब बोला गया है कि अलाइल हैलाइड आर द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच टू sp2 कार्बन। अब ध्यान ना, ये जो अलाइल पोजिशन है यहाँ पे आप देखोगे तो ये पोजिशन जो होता है, पोजिशन होता है sp3 नॉट sp2, यानी आपका जो sp2 लिखा हुआ इसके कारण ये रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो असर्शन क्या है, करेक्ट है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है। यानी ऑप्शन थ्री हमारे लिए क्या होगा, करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक रिएक्शन का सीरीज दिया हुआ है। तो पहले वाले में क्या है, एनिलीन है, उसको ट्रीट कर रहे हैं रिएजेंट ए से, तो कन्वर्ट हो रहा है BDC में। अब रिएजेंट ए क्या होता है, आपको पता है कि BDC में कन्वर्ट करने के लिए आपका रिएजेंट होना चाहिए Na2+HCl और होना चाहिए था HNO2। तो देखना है दोनों में से कौन सा कहाँ दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, जिसको आप हटा देना। तो आपका सेकंड थर्ड फोर्थ में आपका ए जो हम लोग गेस करो मिल रहा है, तो ए मेरे को पता चल गया। अब हम लोग बी पता करते हैं। तो है ना, आपका BDC के बाद यहाँ पे बी में क्या है, एक रिएजेंट है और उसमें डाला गया NOH। यानी बी के पास आपके पास एक रिएजेंट ऐड करेंगे, उसमें डालेंगे NOH, तो एक डाई फॉर्म करता है। तो ध्यान देना, बेसिक मीडियम में डाई बनाने के लिए होना चाहिए था फिनॉल या फिनॉल डेरिवेटिव। बेसिक मीडियम में यानी यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे बेसिक मीडियम में कपलिंग होने के लिए या तो फिनॉल होना चाहिए या फिर फिनॉल डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब फिनॉल डेरिवेटिव जो हो सकता है, नॉर्मली होता है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थोल, इसको बोलते हैं बीटा नेप्थोल। इन दोनों से डाई बनता है। तो अगर कपलिंग फिनॉल में होगा तो आपका अटैचमेंट इस पॉइंट पर होता है, अटैचमेंट फिनॉल के 12 पॉइंट पे होता है। और अगर बीटा नेप्थोल होगा तो अटैचमेंट आपको यहाँ करना है, आपको अटैचमेंट यहाँ करना है। ध्यान देना, आपका 2, 3, 4 में कहीं भी फिनॉल ऑप्शन नहीं है बी के लिए। तो फिनॉल नहीं है तो क्या होगा, आप 2 को हटाओ, इवन 3 को हटा दो। आपका जो फोर्थ है, फोर्थ में जो है बीटा नेप्थोल हमारे से मैच कर रहा है, यानी जो फोर्थ होगा, फोर्थ वाला जो है हमारे सिचुएशन से मैच कर रहा है, यानी इसका आंसर होगा फोर्थ, ठीक है। इसका रिएक्शन को आप देखो, तो BDC के बाद क्या होता है, बीटा नेथोल में जब अटैक होगा तब का जो डाई फॉर्म करेगा, डाई इस तरह का फॉर्म करता है,
तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि द लासानी एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजन। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ध्यान देना, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर सिस्टम में सल्फाइड हो और साइनाइड हो तो उसको हम डिकम्पोज कर सके, ताकि हमारे टेस्ट में हिंड्रेंस प्रोड्यूस ना करे, यानी साइनाइड और सल्फाइड को ब्रेक करके गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, उसको बाहर भेज देगा। तो इसलिए रासायनिक एक्सट्रैक्ट को हम लोग ट्रीट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजन। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना आपके सामने एक असर्शन दिया हुआ है, देर इज कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवेंट रेडियस ऑफ एन टू पी। तो एन से पी में रेडियस अच्छा खासा बढ़ता है, बट जैसे हम आर्सेनिक से बिस्मथ मूव करते हैं तो रेडियस का इंक्रीमेंट क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। तो इसका रीजन है यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्सेनिक से एंटीमोनी में आपका डी और एफ सबसेल आना चालू होता है, और डी और एफ सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका शील्डिंग क्या होता है, पुअर। जिनका पुअर शील्डिंग कारण क्या होता है, आउटर मोस्ट क्लाउड अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज का इंक्रीज क्या होता है, स्लोली बढ़ेगा, यानी साइज क्या होता है जिस रेट से बढ़ना चाहिए था उस रेट से इंक्रीज नहीं करता, यानी आपका जो असर्शन है करेक्ट है। बात करते हैं रीजन का, तो रीजन बोला गया है कि जैसे डाउन द रूप में मूव करते हैं तो आपका कोवेंट एंड आयनिक रेडियाई क्या होता है, ठीक है, इंक्रीज करता है डाउन द रूप में। तो आपको पता है कि डाउन द रूप में रेडियस क्या होगा, रेडियस कोवेंट हो या आयनिक हो ये क्या होगा, नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट जो रीजन है आपके असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट, दोनों सही है, बट रीजन आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। बच्चों ध्यान देंगे आपके पास बोला गया है कि एल्युमिनियम क्लोराइड को जब हम एसिडिफाइड एको सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका ज्योमेट्री कैसा बनाएगा। तो ध्यान देना जब भी आप एलसीसी को डालते हो एसिडिफाइड पानी में तो आपका फॉर्म करता है Al H2O6+3, यानी यहाँ पे 6 वाटर एज ए लिगेंड की तरह काम करेगा। तो 6 वाटर का अटैचमेंट कारण से शेप जो होता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, या बोलते हैं इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच लो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच लो इस क्वेश्चन को क्या बोला हुआ है कि जब भी आप बेंजीन में नेफ्थलीन को ऐड करते हो तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ध्यान देंगे नेफ्थलीन जो होता है उसमें आपका सॉलिड की तरह काम करेगा, और जब भी हम सॉलिड एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो क्या होता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, यानी आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है इन चारों फिगर में से कौन सा मोस्ट स्टेबल होगा। तो ध्यान देना आपका जो ऑप्शन वन है ये है आपका एरोमेटिक फिगर है, अब एरोमेटिक फिगर आर हाईली स्टेबल, तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे, ऑप्शन वन। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे आपके सामने एक थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट लिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 3.5 सेंटीमीटर मूव किया वाइल द सॉल्वेंट मूव बाय 5 सेंटीमीटर। तो आपको रिटार्डेशन फैक्टर निकालना है, यानी आपको आरएफ निकालना है। तो आरएफ क्या होता है, आरएफ होता है डिस्टेंस मूव बाय द आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि 3.5 दिया हुआ है बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट जो कि 5 दिया हुआ है, रेशियो आ जाएगा 0.7। और इसको 10^-1 का फैक्टर बाहर निकालते हो तो इसको आप लिख पाओगे 10^-1, यानी यहाँ पर जो फिलअप करोगे 7 फिलअप करोगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसके सामने कुछ अननोन्स रखा हुआ है, और आपको इसमें से बोला गया है आपको जेड पता करना है। तो ध्यान देना सिंपली आपके रेडॉक्स बैलेंसिंग से दिया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस करने का मेथड जो होता है, या तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज़ करके बैलेंस कर लो, या फिर आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का यूज़ कर लो। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस करके इक्वेशन को दिखा दिया है। अब यहाँ पे जो जेड होगा, जेड जो होगा हमारे 8 से मैच करेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 8। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और उसका एनालिसिस, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में आपके सामने एक सिल्वर डिपोजिशन प्रोसेस हुआ है, और सिल्वर जो डिपोजिट किया है उसका एरिया दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना है तो 0.05 मीटर स्क्वायर एरिया है, और जो हाइट डिपोजिट किया, जो हाइट है डिपोजिशन का, जो हाइट है लेयर का वो हाइट बताया, वो हाइट कितना, हाइट है 0.05 सेंटीमीटर। हाँ ना, आपको बोला गया है उस डिपोजिशन जो वॉल्यूम डिपोजिशन किया है उसमें कितना
नंबर ऑफ सिल्वर एटम होंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पहले हम क्या निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू हाइट होगा। अब जो एरिया है, एरिया आपके पास क्या है, 0.05 मीटर, और हाइट है 0.05 सेंटीमीटर। तो जो मीटर जो है उसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10^4 से, तो 0.5, ठीक है, 0.05 × 10^4 × 0.05, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब जो सेंटीमीटर आपको दिख रहा है तो इसको आप निकालो, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम मिल चुका है, तो वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो कि गिवन डेंसिटी से। आपको डेंसिटी दिया हुआ है सिल्वर का 7.9, तो अगर वी इंटू डी कर दोगे तो आपको वेट ऑफ सिल्वर मिल जाएगा। तो वेट ऑफ सिल्वर कितना निकलेगा बच्चों लोग, तो 25 × 7.9, तो ये वैल्यू जो आएगा, ये वैल्यू आ जाता है 197.5 ग्राम आ जाएगा, यानी इतना सिल्वर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिल्वर का मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, तो जो वेट आप निकाले हो 197.5, उसको डिवाइड करेंगे सिल्वर के मोलो मास से, जो कि होता है 108। तो आपका जो मोल निकलेगा सिल्वर का, ये मोल निकल के आ जाएगा बच्चों लोग, आ जाएगा 1.83 मोल आ जाएगा। अब आपको नंबर पता करना है, तो इस नंबर के लिए क्या करोगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए मोल के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना वर्ड नंबर से, यानी आपका 1.183 को मल्टीप्लाई करोगे, 1.83 को मल्टीप्लाई करोगे आप 6.022 × 10^23 से, तो जो वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 11.02 × 10^23 आ जाएगा। तो आपको 23 चूंकि आपके आंसर में बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो जो नियरेस्ट इंटीजर होगा ये हो जाएगा 11। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 11। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग आपके सामने एक ग्राफ लिया हुआ है, ग्राफ के वाई एक्सिस पे आपका वॉल्यूम प्लॉटेड है इन डेसीमीटर क्यूब, और आपके एक्स एक्सिस पे प्रेशर को प्लॉट किया गया है इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल, इन टर्म्स ऑफ किलो पास्कल, ठीक है। अब बोला गया आपको ए बी सी, यानी इस प्रोसेस का आपको वर्क निकालना है, ठीक है। जो प्रोसेस में वर्क होगा वो आपको निकालना है। तो बेसिकली क्या है, आपका जो वर्क ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का बात कर रहे हैं, तो चूंकि आपका क्लॉकवाइज प्रोसेस हो रहा है, तो क्लॉकवाइज का जो वर्क ऑफ सिस्टम क्या होगा, वर्क ऑफ सिस्टम पॉजिटिव होगा, यानी प्रोसेस का जो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव साइन का होगा। अब इसमें इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये वैल्यू निकालेंगे एरिया से। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वर्क इनटू क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आपका जो हाइट है, हाइट हो जाएगा 30 − 10, यानी इसका हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, बेस हो जाएगा 30 − 10, तो 30 − 10 किलो पास्कल में है, तो क्या होगा यहाँ पे 20 किलो पास्कल हो जाएगा बेस, और हाइट हो जाएगा 20 डेसीमीटर क्यूब। आपको चेंज करना है इसको एसआई में, ठीक है, आपको चेंज करना है इसको एसआई में। तो यहाँ पे हाफ लोगे और यहाँ पे 20 × 10^3 पास्कल हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ इसको चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगा 20 × 10^-3 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब 10^-3 का फैक्टर आपस में कैंसिल कर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 जूल, इसका आंसर आ जाएगा। यानी आप जो वर्क करोगे इस प्रोसेस में, ये होगा 200 जूल। तो ये था बच्चों लोग इसका आंसर और एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास सोडियम एसिटेट का मास निकालना है, इसका मास निकालना है, और ये जो मास है जो आप निकालोगे उस मास का यूज करके हम 250 ml ऑफ 0.35 मोलर एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान देना, आप पहले निकालो मिली मोल, मिली मोल कैसे निकलेगा, तो मिली मोल जो निकल रहा है सोडियम स्टेट का, वो निकलेगा मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर लो वॉल्यूम इन एमएल से। तो वॉल्यूम इन एमएल कितना दिया हो, 250, और मोटे कितना दिया, 0.35 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 87.5 मिली मोल आ जाएगा। अब मिली मोल को आप चेंज करो मोल में,
तो मोल कंसिडर करेंगे तो 87.5 को डिवाइड करोगे 1000 से, तो ये हो जाएगा मोल। बात समझ में आया? आपको निकालना क्या, आपको निकालना वेट। तो वेट निकालने के लिए करोगे 87.5 बाई 1000, ये हो गया मोल। इसको मल्टीप्लाई करो मोलो मास से, तो मोलो मास क्वेश्चन में दिया हुआ है 22.02। तो इस वेट को जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो सॉल्व कर निकालने पे क्या होगा, ये वैल्यू आता है 7.18 ग्राम के आसपास। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा नियरेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 7 को फिलअप करोगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक आईयूपीसी नेम लिखा हुआ है, अननियम। आपसे पूछा गया कि एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग करेगा। ध्यान रहा इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एटॉमिक नंबर होगा ये होगा 111, और 111 जो एलिमेंट होता है वो बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 11 को। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपली आप क्या करना, कॉन्फिग्रेशन लिखना। तो आपका 111 का जो कॉन्फिग्रेशन होगा ये होगा RN 5F14 6D10 N7S1। तो इसमें ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसमें आप एस और डी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे तो 11 आएगा। इन इसका आंसर 11 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब आप इथेनॉल को ट्रीट करते हो सेमी कार्बाइड से, तो उसमें जो पॉट फॉर्म करते हो उसमें कितना नंबर ऑफ नाइट्रोजन होगा। तो आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेमी कार्बाइड का यहाँ से 2H निकाल देना और यहाँ से O निकाल देना, और दोनों कनेक्ट करके ये बन जाएगा आपका सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। इसमें कितना नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल कितने होंगे जब दो एटम का 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करता है। तो ध्यान देना मिक्सिंग प्रोसेस में आपका दोनों एटम का कितना ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। तो एटम ए और एटम ए का अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ 2s है तो यहाँ भी 2s होगा, और 2p का यहाँ पे कितना होता है, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं px py n pz, सेम यहाँ पे होंगे। तो टोटल ऑर्बिटल कितने मिक्स होने वाले बच्चों लोग, तो टोटल ऑर्बिटल मिक्स होने वाले हैं आपका 8, 4 एक एटम से 4 दूसरे एटम से। तो मिक्सिंग प्रोसेस में आपका जो ऑर्बिटल है कंजर्व रहता है, तो आपका मिक्सिंग अगर 8 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो मिक्सिंग करने के बाद भी आपका 8 ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, यानी इसका टोटल ऑर्बिटल होगा 8 होगा इसका आंसर। ठीक है, नीचे ऑर्बिटल का जो नाम है वो भी लिख के दिखाया हुआ है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान बच्चों लोग आपके सामने एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन लिखा हुआ है, और उसमें बोला हुआ है इसका रेट 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड है एट 10 मिनट पे, और 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड है 20 मिनट्स पे। तो आपसे बोला गया है इस रिएक्शन का आपको हाफ लाइफ निकालना है। तो ध्यान देंगे आपका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो रिलेशन होता है KT इक्वल टू क्या होता है, 2.303 लॉग आर नॉट बाई आर टी, ये रिलेशन उसका रेट का होगा। तो यहाँ पे आर नॉट होता है रेट एट टाइम जीरो, और आर टी होता है रेट एट टाइम टी। तो अगर हम पहला टाइम इंटरवल को ले, यानी हम 0.04 को ले, तो उसमें हम इसको अगर बोलते हैं कि ये KT1 है तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग आर नॉट बाई, इसको हम R1 बोल दे रहे हैं। और सेकेंड टाइम जब और होगा तो उसको T2 बोल दे रहे हैं। T2 टाइम पे आपका जो रेट है 0.03 है, उसको हम R2 बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 लॉग R/R2। अब क्या करोगे आप, आपको पता है कि टाइम T2 जो हो T1 से बड़ा होगा, और दोनों का डिफरेंस जो है 10 मिनट का है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको हम 1 बोल दे, इसको 2 बोल दे रहे हैं, तो आप क्या करना, 2 माइनस 1 कर ले। तो क्या हो जाएगा, KT2 माइनस T1 इक्वल टू होगा 2.303 लॉग R1/R2 हो जाएगा। अब R1 का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू होता है 0.04, और इसका वैल्यू कितना है 0.03। बेसिकली आपको अगर आप लॉग R1/R2 का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो बेसिकली आ जाएगा लॉग 4/3 आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन में लॉग 3 का वैल्यू दिया, लॉग 2 का वैल्यू दिया हुआ है, उसका यूज करके इसको अगर आप निकालते हो, ठीक है,
तो ये वैल्यू निकल के एक टर्म आएगा, उस टर्म में आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, 2.303 को मल्टीप्लाई करने वाले हो। और यहाँ पे ध्यान देना ये के है, टी टू माइनस टी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ चुका है 2.303 लॉग 4/3। तो यहाँ से प्रोसेस हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग के निकाल सकते हैं। तो के का जो वैल्यू निकल के आएगा इसमें, तो के का वैल्यू निकल के आ जा रहा है बच्चों लोग 0.2876, 0.2876 मिनट इनवर्स, ये हो जाएगा के का वैल्यू। अब आपको टी हाफ कैसे निकालो, तो फर्स्ट टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ निकालो क्या होगा, 0.693 बाई के। वैल्यू को पुट करो तो आपको जो के का जो वैल्यू पुट करने के बाद जो टी हाफ आएगा ये 24.09 मिनट्स के अराउंड आएगा। तो नियरेस्ट इंटीजर का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 24। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 24 मिनट्स नियरेस्ट इंटीजर में। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का प्रोसेस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केस भी दिया हुआ है, और को बोला गया है कि किस पीएच पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, और आपको कंडीशन बताया हुआ है कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी आपके पास Mg+2 आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर है। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं पीपीटी कंडीशन का, तो प्रेसिपिटेशन कंडीशन का मतलब क्या होता है, जब लिमिटिंग कंडीशन सेट करेंगे तो प्रेसिपिटेशन का लिमिटिंग कंडीशन होता है कि जो क्यूएसपी का वैल्यू है वो आपके केएसपी के इक्वल होना चाहिए। तो इसके बेसिस पे जो अगर हम इसका इसका क्यूएसपी लिखेंगे तो क्यूएसपी क्या होगा, Mg+2 का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH का कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो Mg+2 का वैल्यू कितना लिया हुआ है, तो Mg+2 का वैल्यू लिए आपको लेना होगा 0.1, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू OH- का स्क्वायर इक्वल टू KSP, इक्वल टू क्या होगा, KSP। ठीक, तो KSP का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ हुआ है, 1×10⁻¹। तो यहाँ पे Mg+2 होगा 0.1 इंटू OH- होगा स्क्वायर, ये होगा 10⁻¹। तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट करो तो क्या होगा, OH- का स्क्वायर इक्वल टू 10⁻¹ क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ से OH कितना निकलेगा, 10⁻¹ निकलेगा। तो आपके सॉल्यूशन का जो POH होगा ये हो जाएगा 5, और pH और प्लस POH का सम कितना होता है, 14 होता है। तो अगर हम उसका यूज करते हैं तो आपके पास क्या होता है, pH प्लस POH का सम होता है 14। तो POH हम निकाल चुके हैं 5, तो pH कितना निकलेगा बच्चों लोग, तो निकलेगा ये 9। ठीक है, तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, जिसका आंसर आप क्या बोलोगे, 9 बोलोगे। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे।